तो क्वेश्चन ये है कि एक टावर के हाईएस्ट पॉइंट टी से टी इक्वल टू जीरो पर एक स्टोन फ्री फॉल कर रहा है विथ इनिशियल वेलोसिटी जीरो। टॉप पॉइंट से 20 मीटर नीचे बालकनी है और बालकनी से भी एक स्टोन फ्री फॉल करता है विथ इनिशियल वेलोसिटी जीरो, लेकिन ये फ्री फॉल टी इक्वल टू 1 सेकंड में शुरू होता है, ठीक है। और क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि दोनों स्टोन एक साथ ग्राउंड में पहुंचते हैं, ठीक है, इसको मान लेते हैं पॉइंट जी, ठीक है। तो दोनों स्टोन एक साथ पॉइंट जी में पहुंचते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 10 दी हुई है और हमें निकालना है हाइट ऑफ द टावर, मतलब जो टावर की जो ऊंचाई है जी टू टी, जी टी की जी टी का डिस्टेंस में निकालना है, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो तरीका वही है, जो भी वेरिएबल्स हमें चाहिए उसको मान लेंगे, फिर उन दोनों को निकालने के लिए हम इक्वेशन लिखेंगे। बस ध्यान इतना रखना है कि जितना अननोन होना चाहिए उतना इक्वेशन होना चाहिए, ठीक है। तो इसको शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों स्टोन एक साथ ग्राउंड पे आते हैं, तो मान लेते हैं कि t इक्वल टू t सेकंड पर दोनों स्टोन जो है ग्राउंड पर आ जाते हैं। तो मान लेते हैं एट t इक्वल टू t सेकंड दोनों एक साथ ग्राउंड पे आ जाते हैं, ठीक है। अब इसको मानते हैं s1, जो b से जो स्टोन गिरा हो s1 डिस्प्लेसमेंट उसका है, और जो स्टोन t से गिरा उसका डिस्प्लेसमेंट हम s2 मान लेते हैं, ठीक है। अब s1 s2 के लिए हम इक्वेशन लिख सकते हैं। तो कुल मिला के हमने कितना अननोन ले लिया, तो कुल मिला के हमने s1 s2 और t ले लिया है, ठीक है। और s2 की वैल्यू हम यहां लिख सकते हैं कि s2 की जो वैल्यू होगी वो कितना होगा, s1 plus 20 होगा, तो ये s1 plus 20 ही इसको लिख देते हैं। अब हमारे पास कुल मिला के दो अननोन है, एक s1 है और एक t है, मतलब हमें सिर्फ दो इक्वेशन लिखना है इसको सॉल्व करने के लिए। तो लिखते हैं नाउ डेटा सप्लाई ut plus half t स्क्वायर s इक्वल टू ut plus half t स्क्वायर अप्लाई करते हैं, कहां से कहां तक, पहले b टू g करते हैं, फ्रॉम b टू g डाउनवर्ड डायरेक्शन हमारा पॉजिटिव है, ठीक है। तो b टू g में डिस्प्लेसमेंट कितना है s1, इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम टेकन कितना है, तो हमने माना है कि t इक्वल टू t सेकंड पर दोनों एक साथ पहुंचे, लेकिन जो स्टोन b से चला वो t इक्वल टू 1 सेकंड पे चला है, मतलब इसको ट्रेवल करने का जो टाइम मिला वो t माइनस 1 सेकंड है, ठीक है। क्या पुट करते हैं, ये हो गया t माइनस 1 प्लस हाफ एक्सेलरेशन 10 है, अगेन टाइम t माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। सो दिस इक्वल्स s1 इक्वल टू 5 इंटू टी माइनस 1 का होल स्क्वायर, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट सिस्टम के लिए, अगेन s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ही अप्लाई करते हैं। अब करते हैं टी टू जी, टी टू जी, और अगेन डाउनवर्ड डायरेक्शन हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक। तो अब डिस्प्लेसमेंट कितना है टी टू जी, डिस्प्लेसमेंट है s1 प्लस 20, दिस इज s1 प्लस 20, इनिशियल वेलोसिटी कितना 0 ही है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन 10, और ये तो पूरा टाइम टी लिया है क्योंकि t इक्वल टू 0 पे शुरू हुआ है और t इक्वल टू t सेकंड पर एक ग्राउंड पर आया है, तो इसको ट्रेवल करने के लिए पूरा टाइम t मिला है, ये हो गया t स्क्वायर, ये हो गया s1 प्लस 20 इक्वल टू 5t स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। हमें निकालना है s1 की वैल्यू, तो अगर हम t की वैल्यू यहां से यहां पुट कर दें तो हमारा काम हो जाएगा, या s1 की वैल्यू हम इसमें पुट करके t की वैल्यू निकाल सकते हैं, और t की वैल्यू निकालने के बाद अगेन हम s1 निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, s1 की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो s1 हो गया 5 इंटू टी माइनस 1 का होल स्क्वायर, सो फ्रॉम 1 एंड 2 ये हो गया 5 ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 टी प्लस 20 इक्वल टू 5 टी स्क्वायर, ठीक है। यहां से 5 टी स्क्वायर कैंसिल, ये हो गया 5 माइनस 10 टी प्लस 20 इक्वल टू 0, ठीक। तो 10 टी को जलाते हैं तो t की वैल्यू आ गई 25 डिवाइड बाई 10, ये हो गया 2.5 सेकेंड,
ठीक, मतलब जो टी की वैल्यू आ गई 2.5 सेकेंड, हमें टावर का हाइट निकालना है, तो S1 + 20 हाइट हो गया, तो S1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो वी हैव S1 = ये रहा 5 × t − 1² 5 × t − 1² ये हो गया 5 × 1.5² ये हो गया 5 × 22.5, ठीक है। तो S1 की वैल्यू आ गई, ये हो गया 105.5, ठीक है। तो हाइट हो गया टावर का H = 102.5 + 20, ये हो गया 122.5 मीटर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया।